साल में शिक्षा की नई शुरुआत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति की। जैसे कि हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि कोरोना के चलते सारे शिक्षा संस्थान बंद पड़े थे, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, पर अब कॉलेजेस जो हैं, हरियाणा के कॉलेजेस, वहाँ शुरुआत हो चुकी है। नए सत्र के जो नया सेशन है उसके छात्र कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं। और इसी बीच आज हम मौजूद हैं RIPG कॉलेज में। तो आइए जानते हैं कि पहले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका आज पहला दिन कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास। हेलो, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या उम्मीद लेकर आए थे कॉलेज में, और कोरोना की वजह से क्या क्या नई चीज़ें आपको कॉलेज में देखने को मिली? पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, कैसे क्या मैनेज करूँगी, लेकिन जब यहाँ पे आई मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। अब मुझे लगता है फिर आगे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के बाद पता लगा भी बुक्स के किताबी ज्ञान के अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है। किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोरोना के चलते अगर मैं आपसे पूछूँ, जो कोरोना काल रहा उसमें इतने दिन छात्र घर पर रहे, सारे इंस्टीट्यूशन कॉलेज सब बंद पड़े थे, तो इसमें अब क्या एक नई उम्मीद लग रही है कि शायद अब सब कुछ सही होने लगे? हाँ, लगता है कि आगे सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि जो नया सेशन शुरू हुआ है उसको लेकर तो बच्चे सभी एक्साइटेड हैं कि ये हमारा पहला दिन कैसा जाएगा या आगे स्टडीज कैसे चलेगी, तो उससे लेकर तो हो सकता है कि आगे अच्छा। तो आज जो आपका पहला दिन था नए कॉलेज में, आप स्कूल से एकदम हट के कॉलेज में आए, लंबे समय के तो बीच में समय ज़्यादा रहा, तो आज आपका पहला दिन कैसा रहा? मैंने एक्सपेक्टेशन की थी कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी पहले, पर अब जाके अच्छा लगा क्योंकि मेरी नई फ्रेंड्स बनी, नया कुछ जानने के लिए। न्यू फ्रेंड्स की बात की तो अगर मैं चॉइसेस की बात करूँ कि जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो आपने किस विषय को चुना अपने करियर को आगे परस्यू करने के लिए? मुझे मतलब बोलना पसंद है, और यहाँ के टीचर भी इतने अच्छे हैं कि मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ नई चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह टीचरों ने यहाँ पे हमारा सपोर्ट किया, हमें मतलब हमारा इतना अच्छा सहयोग दिया उन्होंने, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। आज आपका दिन बहुत अलग है। जब भी घूम फिर के बात एक तरह से कोरोना पे ही आ जाती है, क्योंकि एक लंबे समय रहा सब स्टूडेंट्स घर पर थे, आज आप इतने दिनों बाद कॉलेज में या स्कूल जैसा भी कह सकते हैं थोड़ा अलग है, कितना अच्छा लगा वापस वही किताबों के पास आके, क्लासेस के पास आके? कोरोना के पीछे घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, बाहर निकले तो थोड़े खुश हुए हैं, नए दोस्त बनाए हैं, एक्साइटेड हैं, और वो भी अच्छी कि हाँ भी अच्छा लगे। और जैसे अब आज के टाइम में चल रही सारी चीज़ें कि अभी जो आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप दो दिन क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, तो क्या आप ये होप करते हैं कि और ऑफलाइन क्लासेस हों या ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है? ऑफलाइन। ओके, जैसा ऑफलाइन की हमने बात की कि ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि हम एक क्लास का जो एक इन्वायरमेंट होता है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आपके क्या विचार हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर, और जो नया सेशन शुरू हुआ है कितने एक्साइटेड हो आप उसके लिए? मेरे ख्याल से ऑफलाइन सेशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा टीचर के साथ फिजिकल होता है इंटरेक्शन, और हम कोई भी क्वेरी होती है एकदम सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑनलाइन में थोड़ा इशू होता है, नेटवर्किंग होती है, साउंड प्रॉब्लम हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, और न्यू सेशन शुरू हो रहा है तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको अंदर आप कॉलेज में एंटर हुए तो आपको क्या नई चीज़ें दिखी, जैसे नॉर्मल स्कूल से या कॉलेज से कुछ अलग, कि मास्क पहने और बाकी चीज़ें सैनिटाइजेशन उसके बारे में? हाँ, ये तो बहुत से अहम चेंज है, मतलब COVID-19 में हर लोग मास्क वेयर करना ही थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, बट इट्स ओके। कॉलेज का एनवायरनमेंट स्कूल से मतलब नॉर्मली सेम एनवायरनमेंट है, बट आई फील वेरी बेटर। या आई रियली एंजॉयड माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। यू एंजॉयड योर डे, दैट्स अ बेटर थिंग। ओके, तो आइए हम बात करते हैं कुछ और छात्रों से। आप जैसे कोरोना के बाद इतने लंबे समय के बाद कॉलेज आए, तो मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूँगी, कितना नया लगा दोबारा से वापस किताबों के पास आना, वापस क्लास में आना, वापस टीचर से इंटरेक्ट करना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। इतने लंबे अरसे से हम लोग घर बैठे थे, घर पे भी घर वाले भी ऐसे कहते जाओ जाओ यहाँ से, तो स्कूल जाओ कब चालू होगी, तो जब से कॉलेज चालू हुआ आज फर्स्ट डे था, बहुत बढ़िया गया, बहुत मजा आया। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस का भी शुरू कर दिया गया है कोरोना के चलते, क्या और ऑफलाइन क्लासेस को क्वालिटी दे, आप क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस? सबसे अच्छा रहेगा ऑफलाइन चले, क्योंकि कितना इतने दिन तक घड़ी में बैठे, और अगर ऑफलाइन चलेगा तो टीचर के साथ एक इंटरेक्शन बनेगा, और बहुत अच्छा रहेगा ऑनलाइन के मुताबिक, क्योंकि ऑनलाइन में कनेक्शन कट कट जाएगा, कभी साउंड प्रॉब्लम, तो इससे अच्छा बेटर रहेगा ऑफलाइन। तो अगर
अगर अब आप कॉलेज में आ चुके हैं, करियर मतलब कि करियर जिसमें आपको आगे परस्यू करना चाहते हैं, सपोर्टिंग आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आपका आगे करियर में क्या क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, उसके बारे में? अगर आपसे मैं आपके गोल्स के बारे में बातचीत करूँ, जैसे कॉलेज एक तरह से यही चीज़ है कि आप करियर को कैसे परस्यू करना चाहते हैं, तो आप ने क्या कौन सा कोर्स चूज किया और कितने एक्साइटेड हैं उस कोर्स के लिए? मास कम्युनिकेशन से जानने की, उसके बाद देखेंगे हम कुछ क्या करता है, लाइक वीडियोग्राफी हो गई, रिपोर्टिंग हो गई और न्यूज़ पेपर्स वगैरह, उसके बाद देखेंगे हम कुछ क्या करना है। फर्स्ट ईयर के लिए कितने एक्साइटेड थे और कितना कुछ पूरा हुआ फर्स्ट ईयर? एक्साइटेड होते हैं और नर्वस भी होते हैं, और क्लास में बैठे बातचीत करी सब खुल गए धीरे धीरे करके, हर पीरियड में इंट्रोडक्शन खुलते जाते हैं, सारे दोस्त भी बने हैं सारे हमारे, और बाकी बेस्ट। मैं आपसे कहूँ कि एकदम स्कूल से कॉलेज में आना, वही बात है कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, एक्साइटेड तो होते ही हैं प्लस सेम टाइम पे वो नर्वस भी होते हैं, तो आपकी कितनी झिझक दूर हुई, कितना आपकी हेजिटेशन दूर हुई यहाँ पे? मैं आगे एक्साइटेड तो बहुत था कॉलेज खेलोगे, इतने टाइम से लॉकडाउन में घर बैठे थे, बोर हो रहे थे कि कुछ जाके नया सीखेंगे, कुछ नया जाके देखेंगे, लेकिन मैं नर्वस बिल्कुल नहीं था क्योंकि पहले से बहुत फ्रेंडली बहुत इजीली अपने फ्रेंड बना लेता हूँ, और मैं वो ठीक करना चाहूँगा। बस यहाँ की मैंने एक चीज़ है, मैंने डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट देखा, जो भी कॉलेज में सबसे अच्छी बात कॉलेज की डिसिप्लिन, और साथ में आपने शायद कोरोना के टाइम में बहुत सी नई चीज़ें देखी कॉलेज में, तो उसके लिए कितना अलग लगा और कितना अच्छा लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन बहुत अजीब भी लगता है कि सबके मुंह पे मास्क होता तो अभी ढंग से जान नहीं पाते, पहचान नहीं आ रहा, इतने सारे दोस्त दिखे समझ नहीं आया, मतलब देख के ही पता चला मास्क वगैरह उतार के, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है कोरोना के बाद। इतने लंबे समय के बाद आप जाके कॉलेज खुले हैं, तो आपको पहले क्या लग रहा था कि कॉलेज खुलेंगे या कभी ऑफलाइन क्लासेस कभी होगा, ऐसे हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे? मुझे पता था कि कॉलेज खुलेंगे जरूर खुलेंगे, और ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन की ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के युग में बच्चे टेक्निकल बहुत कम होते हैं, उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का युग ऐसा है कि टेक्निकल बच्चे बहुत कम मिलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता स्कीम्स के बारे में, मोटिवेशन किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए टेक्निकल होना भी जरूरी है, ऑनलाइन होना भी जरूरी है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फर्स्ट डे कैसा रहा, कितना मज़ा आया, और क्या और विशेष आपके क्या एक्सपेक्टेशन है कॉलेज से, क्या क्या पूरी होनी चाहिए? मेरा पहला दिन बहुत अच्छा रहा, पर जैसे मेरा आज का दिन जैसे पहला दिन था तो ये ऑफलाइन रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे मेरे नए दोस्त बने, जो एक्सपेक्ट किया था अभी कोविड में ये चीज़ हो पाएगी उससे ज़्यादा ही हुआ, तो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था। शुक्रिया आपका, सब सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जैसा कि हमने सभी स्टूडेंट्स से जाना कि वो फर्स्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड थे और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर कॉलेज में, कि हर स्टूडेंट एक जब अपना पहला कदम कॉलेज में रखता है तो बहुत सारी आशाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमने जब इनसे बात की तो बहुत सी आशाएं पूरी हुई, पर हम कोरोना काल में अभी भी जी रहे हैं, तो मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज अपने हाथों कीजिए वो भी बहुत ज़रूरी है, और कॉलेज में हमने देखा कि सारी प्रक्रिया की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिन के बजाय और कितने दिनों ऑफलाइन क्लासेस बढ़ाई जा सकती है और आगे क्या क्या गाइडलाइंस आएंगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं रूपल, ACP News, पानीपत।